घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, जितना मर्जी कर लो करते ही रहो। कभी डस्टिंग, कभी अलमारी की सफाई, कभी बेड बनाओ, छोटे छोटे काम कितने हो जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, एज अ मदर, एज अ फादर, हमें तो काम करने ही हैं, बच्चों के ही तो काम होते हैं, और करना भी क्या है। चलो फाइनली अलमारी भी सेट हो ही गई, अभी बुक सेट कर देती हूँ। कितनी बार इसको बोला है कि अपनी बुक्स खुद सेट करके रखा कर, मगर ये है कि सुनता नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगी, अभी छोटा भी तो है, धीरे धीरे अपने आप समझ आ जाएगी। चलो फटाफट बर्तन भी धो लेती हूँ, बर्तन भी बहुत हो जाते हैं धोने के लिए, कभी ये बर्तन कभी वो बर्तन, सारा दिन बर्तन ही बर्तन। कोई बात नहीं, काम तो करने से ही ख़त्म होगा, फिर कैसी चिक-चिक करें। जो हमारा काम है हमें खुद कर लेना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं होगा। चलो फाइनली बर्तन भी साफ हो ही गए, और फटाफट ये डस्टिंग भी कंप्लीट कर लेती हूँ। डस्टिंग करने के बाद अभी तो सब्जी की तैयारी करनी है। सब्जी में सोच रही हूँ आज दाल बना लूँ, सब खा भी लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगी और काम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलो सब्जी बना लेते हैं। ओहो, समझ में नहीं आ रहा, अभी मार्केट के एक दो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या करूँ, कैसे जाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी दूध उबल चुका है, वैसे तो सब्जी भी बन चुकी है, मगर अभी भी घर के कुछ काम हैं जो मुझे करने पड़ेंगे। दिमाग में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। एक काम करने के लिए कई बार कितना सोचना पड़ता है। ऐसा करती हूँ, आज अभी घर पर है उसी को बोल देती हूँ कि बेटा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, एक दो मार्केट के काम हैं, प्लीज़ कर दे बेटा। जाके उससे पूछती हूँ, जाने के बाद उसको बोलती हूँ कि बेटा चलो चलो फटाफट जाके आती हूँ, और उससे पूछती हूँ कि अगर वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे सब्जी के लिए तो कितना अच्छा हो जाए, सब्जी वगैरह लाने के लिए। बेटा मेरा थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे थोड़ी सी सब्जी ला के कुछ मार्केट से सामान। यस यस, कितना अच्छा गाना है, ये मेरा फेवरेट गाना है। ला 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 ला। अरे ये मम्मा क्यों आ गए? अरे यार ये तो फोन भी नहीं ढंग से चलाने देते, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई बताओ, मेरे को गाना सुनना है, मेरा सारा मजा खराब कर दिया। अब मम्मा मैं मार्केट तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ, आपको नहीं पता मैं गाना सुन रहा हूँ, चलो जाओ। सारा दिन काम करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद बच्चे कितनी आसानी से मना कर देते हैं कि हम आपका काम नहीं कर सकते। मुझे तो समझ नहीं आता इन बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे, हमें हर्ट नहीं होता क्या, कैसे मना कर देते हैं। आज इसको मैं सबक सिखाती हूँ कि पेरेंट्स को किसी काम के लिए कैसे। मम्मा मम्मा मैं आ गया, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना, मेरा पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मम्मा प्लीज खाने को। आप मुझे मना क्यों कर रहे हो मम्मा, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं मम्मा से नाराज हूँ, मैं मम्मा से कभी बात नहीं करूँगा, काश मेरी मम्मा को मैं सॉरी बोल। जब मेरे काम को मना करता है, मेरा भी मन करता है आराम से बैठ के खाने को, पीने को, फोन देखने को, टीवी देखने को, और जब मैंने मना कर दिया तो आज इतना ज़्यादा बुरा लगा। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या पेरेंट्स को मना करना नहीं आता? क्या उनके लिए इतना इजी होता है घर के काम करना? बच्चे कितनी आसानी से पेरेंट्स को मना कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। यार आज मैंने अपने मम्मा पापा को हर्ट किया, अगर वो मुझे कुछ बोलते हैं मैं उनको मना करता हूँ, वो कितने हर्ट होते होंगे, मैं अपनी मम्मा को जाके सॉरी बोलूँ। सो दोस्तों, आज हमने इस स्टोरी में ये सीखा कि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं पर हम उनकी छोटी सी भी बात नहीं मानते, वो थक जाते हैं हमारे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए, और अगर वो थक के थोड़ा सा कुछ बोल ले और हम बोलते हैं ना हम तो नहीं करेंगे हम बिजी हैं,
सो गाइस, अपने पेरेंट्स के ऊपर हमको प्राउड होना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, पर हमको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम उनको मना कर देते हैं। सोचो हमको पेरेंट्स मारते हैं तो हमको कितना दुख होता है, जब हम इनको ये छोटी सी चीज कहते हैं ना तब उनको कितना हर्ट होता होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।